पीलीभीत में पुलिस की लापरवाही से एक जान चली गई। दरअसल आज थाने के अंदर विद्युत मीटर लगना था, जिसके लिए विद्युत विभाग का लाइनमैन लाखन व विद्युत विभाग में प्राइवेट तौर से काम कर रहा रिंकू आया था। रिंकू व लाखन ने विद्युत विभाग से शटडाउन लेकर जब मीटर लगा दिया, जिसके बाद मीटर से निकली वायर को खंभे के वायर से जोड़ने के लिए रिंकू थाने के बाहर पोल पर चढ़ा। इस दौरान पुलिस कर्मियों से मना किया गया था कि जनरेटर ना चलाया जाए। रिंकू खंभे पे चढ़कर मीटर की वायर जोड़ रहा था, इसी दौरान किसी पुलिसकर्मी ने जनरेटर चालू कर दिया, जिसके बाद मीटर से निकले तार से करंट रिंकू तक पहुंच गया और रिंकू खंभे से नीचे सड़क पर गिर गया। यह देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और इधर उधर दुबक गए। काफी देर बाद राहगीर ने रिंकू को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रिंकू के बचाने के दौरान लाखन भी घायल हो गया, जिसको CHC जहानाबाद में भर्ती कराया गया। रिंकू की मौत के बाद विद्युत विभाग के जय मृतक को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि रिंकू पिछले 3 साल से विद्युत विभाग में प्राइवेट काम कर रहा था। साथ ही थाने में मीटर लगाने की बात से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन विभाग के ही एक घायल हुए लाइनमैन लाखन ने इनकी पोल खोल दी और बताया कि विद्युत विभाग के जय रोहताश कुमार व GMT ओमकार ने ही थाने में मीटर लगाने के लिए बुलाया था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले में जांच की बात कह रहे हैं और जांच के बाद ही कार्यवाही की बात कही जा रही है। क्या हुआ था आपके साथ? मीटर लगाने वाले आए थे मीटर विभाग से जी। उन्होंने हमें बुलाया, उन्हें थाने का मीटर लगाएगा, केबल हम लेके आए, उसके बाद में मीटर ठोका गया थाने का। थाने का मीटर ठोकने के बाद में थाने की केबल हम जो पुराना मीटर इनसे चेंज करने के लिए लाया, किसी कंपनी का पता नहीं चल रहा होगा, तो ओमकार जब बोले ऐसा जब तक मीटर तुम्हें बांध दे, तुम ऊपर खंभा केबल बांध दो, लाख अंदर संभाल लेगा, मैं दीवार चढ़ के संभाल लेता। इस चीज में हमें थाने वालों से कह दिया, हमने शटडाउन लिया बिजली का, हमने थाने वालों को कह दिया हमें जनरेटर चालू मत करना। इस बीच 15-20 मिनट हो गए, इसमें 3 तार हमने बांध दिए हाथ से, उसके बाद में इनने अपना जनरेटर चालू कर दिया। जैसे ही वो न्यूट्रल बांधने चला, उसमें रिटर्न आई बांधने चला नहीं, करंट इसके लगा है तो खंभे पैसे, हमने कई आवाजें मारी जनरेटर बंद करने के लिए, वो थाने में से जनरेटर बंद करने कोई नहीं हिला। ये घोंघाट आया भी, उससे जनरेटर बंद हुआ नहीं। हाँ, ऊपर से गिर के ऊपर से गिरा और सीधे कौन गिरा ऊपर से? टिंकू। तुम्हारे भी चोट लगी? ना, मुझे चोट नहीं लगी, मैं दीवार से खाता हूँ, हल्की फुल्की है उसे रोकने के लिए, मगर जब तक मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। थाना जहानाबाद का मैटर है, जिसमें एक कन्हैयालाल ग्रुप सनम रामचंद नगर थाना जहानाबाद के रहने वाले हैं, वो खंभे पर चढ़कर कुछ कार्य कर रहे थे, अचानक खंभे से गिरे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर मृत हो सके, तैयारी ली जा रही है, उस पर आगे कार्रवाई की। सर बताया जा रहा है कि लाइट चालू करा दी, नेट चालू करा दिया, कहीं संबंधित लाइन मैन है वो भी अस्पताल में भर्ती है, तो उनके बयानों के आधार पर ही आगे बताया जा सकता है कि क्या वो बता रहा है। सर कि जन्म जो है जनरेटर को बना दिया गया था, जनरेटर चला दिया, जनरेटर का कनेक्शन बाहर तक नहीं है, थाने में जनरेटर लगा हुआ है, उसकी सप्लाई केवल अंदर है और उसकी सप्लाई थाने के बाहर भी है। जो टिंकू आया था अस्पताल में, क्या था मामला इसका, क्या है पूरा? लगभग 12:40 के आसपास दोपहर में एक टिंकू नाम का व्यक्ति हमारे पास लाया गया, तो मैंने उसकी प्रारंभिक जांच की तो उसमें मृत अवस्था में ही था, उसमें हमारे कार्यालय को सीधा वो खत्म हो चुका था, और साथ में दूसरा एक जो लाए थे उनका नाम लाखन था, वो भी काफी घबराया हुआ था, हमने उसका भी प्राथमिक उपचार किया, वो ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको हमने भर्ती कर रखा। टिंकू मृत अवस्था में ही आया था, वो खत्म हो चुका था, उसकी डेट हो गई है। हाँ, वो खत्म हो चुका था, यहाँ हमारे कार्यालय उसमें कुछ बचा ही नहीं था।